और अगर देश को आज़ादी 2014 में मिली थी, इससे पहले भीख में मिली थी, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो क्या गुलाम भारत के थे? जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि वो इतिहास पढ़ें, जो कहानियां गढ़कर अपना 3 घंटे की फिल्म चलाना जानते हैं, वो इतिहास जानते होंगे। चापलूस चाटुकार लोगों का सम्मान होता है, पर याद रखना जब जो इस देश के अंदर चाटुकार चापलूस लोगों का सम्मान होता रहा तब तो ये देश पतन की ओर आकर्षित होता रहा और ये देश गुलाम होता रहा, गुलाम होगा अगर ऐसी महिलाओं का सम्मान होता रहा। 1947 के बाद जो हमको आज़ादी मिली उसमें सिर्फ तुष्टिकरण की आज़ादी मिली, अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाने की आज़ादी मिली। आज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति खुले में सांस ले सकता है, अपना अपनी बात रखने का पूरी तरह अधिकार रखता है। जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि वो इतिहास पढ़ें, जो कहानियां गढ़कर अपना 3 घंटे की फिल्म चलाना जानते हैं, वो इतिहास जानते होंगे। और मुझे तो लगता है कि वो अभी खुमार में हैं। अभी पिछले दिनों जयललिता जी की जो फिल्म उन्होंने बनाई थी उस स्क्रिप्ट को उन्होंने गंभीरता से पढ़ लिया है और मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, खुद को जयललिता समझ रही हैं, इसलिए शायद उस करेक्टर से बाहर नहीं आ पा रही हैं। क्या एक किसी बुद्धिजीवी से बात करिए, क्या अकेले महात्मा गांधी ही के द्वारा आज़ादी देश को मिल सकती थी? अगर सुनिए सुनिए सुनिए, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो वो देशभक्त आज कहाँ हैं? देश उनको पहले क्यों नहीं याद कर पाया? 2014 से पहले कहाँ गए वो लोग जो आज चिल्ला रहे हैं, जो उनकी जयंती तक नहीं मना पाते थे, जलियांवाला बाग उसको याद नहीं करना चाहते थे, उस आज़ादी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, या फिर आज इस आज़ादी की बात कर रहे हैं जो हमको 2014 में मिला, 1947 में मिला, क्या मिला, क्या आज़ादी मिली? तो ठीक सुनिए, मैं समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ 1947 से पहले, सुन लीजिए, नहीं करते होंगे वो, उनका विचार है, मेरा अपना विचार है, 1947 के बाद जो हमको आज़ादी मिली उसमें सिर्फ तुष्टिकरण की आज़ादी मिली, अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाने की आज़ादी मिली। आज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति खुले में सांस ले सकता है, अपना अपनी बात रखने का पूरी तरह अधिकार रखता है। ये जो है कंगना जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्या? मेरे बड़े भाई ने जो भी बात कही कि मैं समर्थन करता हूँ, तो जलियांवाला बाग में जो हमारे देश के जवान और तमाम लोग शहीद हुए थे, इसका मतलब भीख मांगने गए थे वो। जो कंगना ने कहा है कि हमें आज़ादी भीख में मिली, क्या कोई भीख मांगने जाता है तो उसको गोली चलती है? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये गलत है। हमारे यहाँ के कंगना जी ने 8वीं क्लास भी नहीं करी शायद, मुझे लगता है। ये मेरे वतन के लोग तुम लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा 1947, इनका समर्थन है, इनका समर्थन ये करेंगे। टोपी कंगना जी यदि इनकी अब वही पहन हुए हैं, ये ठूंठ ठूंठ के आ रहे वाले हैं, ये गोट से गोट से राष्ट्रभक्त जी, गोट से राष्ट्रभक्त, बिल्कुल राष्ट्रभक्त। गांधी जी देश विरोधी थे, गांधी जी भी राष्ट्रभक्त थे, ये किसने कहा गांधी जी गांधी जी के लिए राष्ट्र विरोधी कौन करा? नहीं नहीं, गांधी जी भी अपनी जगह राष्ट्रभक्त थे, गौडसे भी अपनी जगह राष्ट्रभक्त थे, चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रभक्त थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वीर सावरकर थे, ये कहाँ गया इतिहास? तो 2014 से पहले कहाँ गए ये लोग जो इनका आज चिल्ला रहे हैं? आज याद आ रहा है, उससे पहले तुष्टिकरण याद आता था। क्या कह रहे हैं? मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, 2014 में अगर देश आज़ाद हुआ तो वो महीना और दिन भी बता दें, तारीख भी बता दें। पहले तो हमने बचपन से अब तक पढ़ा है कि 15 अगस्त है आज़ादी, अब ये बता दें कि 2014 का दिन कौन सा है, महीना तो यही रहेगा। बताइए सर, 2014 से पहले की आज़ादी का मैं आपको बता चुका हूँ, तारीख पूछ रहा है, तारीख की बात ही नहीं है। 2014 से पहले जो हमको आज़ादी मिली वो आज़ादी तुष्टिकरण की आज़ादी थी, हम लोगों को सिर्फ दबाने की आज़ादी थी, किसी को अपनी सही बात जो है आज़ादी थी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए भैया, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो वो कंगना बहन जी जो है उनको मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये अंग्रेज़ों का रिकॉर्ड है, 7,32,600 लोगों की कुर्बानी इस देश के लिए गई, कुर्बानियाँ दी ऐसे लोगों ने, कितनी ही माताओं के सिंदूर को पहुँच के रख गए, कितनी ही बहनों की राखी तोड़ गए और कितने ही रिश्तेदारों को रोते बिलकते छोड़ गए। और ये कंगना कह रही है कि भीख से मिली आज़ादी, शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को, इन्होंने कभी भी इतिहास को नहीं पढ़ा, नाचती रही जिंदगी भर
और इतिहास को कभी खोल करके नहीं देखा, वो इस बात को कह रही हैं। याद रखना इस बीजेपी भाजपा सरकार में क्या होता है, सिर्फ यही होता है चापलूस चाटुकार लोगों का सम्मान होता है। और याद रखना जब जब इस देश के अंदर चाटुकार चापलूस लोगों का सम्मान होता रहा तब तो ये देश पतन की ओर आकर्षित होता रहा और ये देश गुलाम होता रहा, गुलाम होगा अगर ऐसी महिलाओं का सम्मान होता रहा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अगर ये जो बयान दिए हैं इसने कंगना ने, या तो ये अपना बयान वापस ले, नहीं तो ये जो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री द्वारा पद्मश्री का ये पुरस्कार दिया गया है ये वापस लिया जाए। आजादी कब मिली देश को? 1947 में, 1947 में। ये तो कह रहे हैं कि अरे ये तो सब हवा हवाई है, कहते ये इन्हें कुछ नहीं है। कुछ और लोग भी हैं भैया, जिस तरह से 2014 के बाद आजादी की बात कर रहे हैं, कंगना जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये लोग तो उनके चापलूस की तरह काम करते हैं, ये बीजेपी वाले इनका यही काम है। जो लोग को सोनू सूद को ये मिलना चाहिए था पद्मश्री, लेकिन इन्होंने ये दिया है कंगना रावत जी को, ये बिल्कुल गलत किया, इसका मैं विरोध करता हूँ। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते